आपको टोनी कक्कर से स्टार्ट करना था। मीडिया में टोनी और मनीषा के रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है, लेकिन हम आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में मनीषा रानी ने खुद अपने और टोनी कक्कर के बीच रिश्ते का खुलासा किया है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसमें मनीषा रानी खुद अपने और टोनी कक्कर के रिश्ते के बारे में बात कर रही हैं। टोनी कक्कर मेरे अभी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, क्योंकि कम टाइम ही उनसे मिले, बट पता नहीं उन लोग का जो नेचर है, वो लोग इतने अच्छे हैं, चाहे वो हो गई या नेहा कक्कर दीदी, वो लोग इतने डाउन टू अर्थ है। एक होता ना वाइब मिल जाना कि यार ये तो एकदम, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पापा को उनके घर लेके गए थे साकेत भैया के साथ वही सॉन्ग को लेके, तो वो बंदा भी जबकि प्रोफेशनल काम के लिए गया, बट वो भी जैसे ही पापा को देखा निकलते ही पहले उन्होंने प्रणाम किया, पैर छू के, वो भी क्योंकि फ्रेंडशिप हो चुका है, एल्बम कर रहे फिलहाल और अभी कुछ नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये समझ आ ही गया होगा कि टोनी और मनीषा के बीच कुछ नहीं चल रहा है, वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में मनीषा रानी ने लोगों को ये बताया है कि टोनी और उनके रिश्ते को लेकर काफी सारे अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पहली बार टोनी कक्कर से गाने के माध्यम से मिली थी और वो टोनी कक्कर के साथ प्रोफेशनली काम करने जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने टोनी कक्कर और नेहा कक्कर के संस्कारों के बारे में बात किया है। उन्होंने कहा है कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने ज्यादा अच्छे इंसान हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं पहली बार टोनी कक्कर के घर अपने पापा के साथ काम के सिलसिले में गई थी और वो हमें जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े स्टार होके मेरे पापा के पैर छुए और आशीर्वाद ले, ये करके उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। और नेहा दीदी की बात ही क्या करूं, वो इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, इतनी बड़ी सिंगर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एक पैसे का भी घमंड नहीं है। वो इतनी अच्छी हैं कि मैं क्या ही बताऊं। वो दोनों जब मुझसे मिले ना तो मुझे ऐसा लगा कि बस ये बिल्कुल मेरे मेजॉरिटी के हैं, इसलिए मैं उनसे ज्यादा क्लोज हो गई और इतनी अच्छी रिलेशन हमारी हो गई है। बता दें कि मनीषा और टोनी एक अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में दोस्ती वाला रिश्ता है। आगे अगर कुछ होगा तो वो आपके सामने जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल उनके बीच प्यार जैसा कोई खिचड़ी नहीं पक रहा है जैसा लोग र्यूमर फैला रहे हैं। वेल, मनीषा रानी के इन बातों को सुनने के बाद उनके चाहने वालों का तो दिल टूट ही गया है, क्योंकि लोग तो मनीषा और टोनी के साथ होने की दुआएं करते नजर आए थे और उनको साथ में होने की सलाह भी दे रहे थे। बहरहाल आपको इस पर क्या कहना है, आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।